लोग आ चुके हैं बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण जी की जन्मभूमि गोकुल। यहाँ से बस कुछ दूर पे एक मंदिर है, वहाँ जाते हैं, फिर आपको मंदिर का दिखाते हैं। हम लोग आ गए कुछ खाने पीने के लिए। मम्मी का थोड़ा तबीयत ख़राब है, बहुत टायर्ड हो गया, तो उसको खाने का कुछ मन नहीं कर रहा। पापा अपने लिए डोसा किए, ये दोनों भी डोसा, और हमारा एक डोसे से कुछ होता नहीं है, हमने अपने लिए खाली किया। मम्मी देख के एकदम हंस रही है, हम लगा कि हम अपने लिए खाली किया भाई, क्योंकि हमको चाहिए अच्छे से। आ गया हमारा खाली डोसा भी। ठीक है भाई, ले आओ ले आओ, खाली हो गया भाई। बोलो राधे राधे, और खाना स्टार्ट करते हैं। ये लोग देख करके देखिए बोल रहा थाली अच्छा था, थाली अच्छा था, कोई बात नहीं, ठीक है स्टार्टेड। देखिए पापा पापा राजनीति करते हुए गाइस। मम्मी पे चार मुँह देख लिया था, कोई बात नहीं मम्मी, तुम्हारे भी टाइम आएगा। ये जो गांव आप देख रहे हैं गोकुल है, गलियाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ भी है गोकुल। के ये भैया जो हैं ब्लू टी शर्ट वाले, वो हमारे गाइड हैं गोकुल के, ठीक क्या कैसे कहाँ हुआ। और हम लोग सभी अभी बस जा रहे हैं, और बताओ गर्मी है गाइस, हम लोग गोकुल का यात्रा तो मम्मी आगे बढ़ो, जहाँ देखो वहीं रुक जाती है भाई, क्या पता क्या सोचने लगा, क्या सोचती हैं आप। चलिए अब आपको दिखाते हैं क्या कहाँ कैसे और कब। गौशाला है, इसी गौशाला में नंद जी ने 9 लाख गायों का दान किया, एक नहीं दो नहीं 9 लाख गायों का दान किया, तो इस गांव का नाम पर क्या पड़ गया, गोकुल गायों का कुल। हम लोग जल्दी जल्दी गोकुल बोलते हैं, गौ दान से बढ़कर कोई दान नहीं। स्वयं कान्हा जी ने भी गौ सेवा की, उनका नाम पड़ा गोपाल, गायों को पालने वाला, बोलो गौ माता की जय। हंस लो एक बार, दोनों हाथ ऊपर करो, हंस लो एक बार, चलेंगे गोकुल धाम और अमर करेंगे माता पिता का, ये माता पिता का तीर्थ हाँ डाल दो श्री नहीं जय जय जय। तो अभी हमने नंद जी की गौशाला देखी है, मोबाइल बंद हो जाएगा, अंदर अलाउड नहीं है। अच्छा मोबाइल यहीं से बंद हो जाएगा, अंदर अलाउड नहीं है गाइस, मोबाइल यहीं से बंद हो जाएगा। इसी गली से वासुदेव जी कान्हा को लेके आए, टोकरी में रखकर यमुना मैया पार कर, और इस घर में छुपा दिया। 3 दिन का आपको ख्याल रखना, पहला अंदर कोई फोटो खींचेगा नहीं, फोटो खींचना अलाउड नहीं, मोबाइल अंदर जाएगा नहीं, फोटो खींचना। इस घर में छुपाया था कान्हा जी को, सोने का झूला, सोने का सिंगार, पूरा संसार यहाँ प्रभु को झूला झुलाने आता है, वहाँ से फूल लेंगे, खाली फूल को चढ़ाना है, फेंकना है किसी को नहीं, यहाँ पर बाल भाव है, बिल्कुल बेटे की तरह इनको रखा जाता है, फेंकना किसी को नहीं, फूल का अपमान किसी को नहीं करना। तीसरा 56 भोग का प्रसाद मिलेगा, जो कि आंचल में लेना है। तो कान्हा जी को 4 धाम में, आप लोग मंदिर जाते हो भगवान को मिठाई लेके जाते हो, लेकिन 4 धाम में कान्हा जी को मिठाई नहीं जाती है, 4 धाम में जो भगवान ने खाया है वही आपसे मांगते हैं। आप लोग कोई जगन्नाथपुरी गए कभी आप लोग, वहाँ कान्हा जी किसी का भोग लगता है, वहाँ पे चावल का भोग लगता है, जगन्नाथ का भात और जगत प्रसाद, पूरे भारत में सिर्फ एक ऐसा मंदिर जहाँ पर एकादशी दिन भगवान को चावल का भोग लगता है वो जगन्नाथपुरी, वो भाई बहन का तीर्थ है जगन्नाथपुरी। दूसरा है तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में, वहाँ लगता है कच्चे चने की दाल का भोग। द्वारिका में पंचमी, यहाँ माखन मिश्री का भोग, गले में डाले हैं जो रेड कलर की खुशी, वो भोग के साथ मिलती है, मनोकामना का वर्ष बोलो राधे 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 राधे। चलते हैं, यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होता, यहाँ पे बंद कर देंगे, लेकिन आपको बताएंगे अंदर देखा क्या क्या है, क्या देखा नहीं देखा सब बताएंगे। प्राचीन श्री दाऊ बाबा को घर, ये बलराम जी का घर है, देख सकते हैं, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं आपको यहीं से दिखा दे रहा हूँ। बाकी अभी हम लोग कृष्ण जी का घर देख कर के आए हैं, वो बहुत ही अंदर से, मतलब कि उसमें 250 किलो सोना है गाइस, मतलब कि उनका झूला जो है वो पूरे सोने का बना हुआ है, मुकुट वुकुट सब कुछ सोने का है, झूला झूला मतलब बहुत ही भारी था,
देखने से भी बहुत अच्छा लग रहा था, और सौभाग्यवश हम लोग उनको झुलाए वुलाए, बहुत बहुत आनंद आया अंदर मंदिर के अंदर, बहुत अच्छा लगा देख करके उनको। चलिए अब अंदर जाते हैं फिर यहाँ का बताते हैं। ये साक्षी गोपाल हैं, इनका जो भी है वो भैया बताएंगे। यहाँ पर खाना पीने सबसे ज़्यादा, ये सबसे पुराना घर है ये गोकुल का। अच्छा, साक्षी गोपाल यहाँ खाना जी ने साक्ष्य मांगा है सबसे, माखन का। आप जानते हो जो राम जी के अवतार में राम जी को किसने जन्म दिया था? कौशल्या माता ने दिया था, कौशल्या माता ने। तो उस जन्म में जो कौशल्या बनी, इस जन्म में क्या बनी द्वापर युग में? यशोदा मैया। जो जन्म में केकई बनी जिन्होंने 14 साल का वनवास दिया था, जो देवकी बनी कान्हा जी 14 साल वो दूर रही। जो जन्म में सुमित्रा बनी, जन्म में क्या बनी? रोहिणी मैया। ऐसा समझ में आएगा। अच्छा, ब्लॉग बना रहे हो आप लोग? जी बिल्कुल। तो निकल रहे हैं बाहर, तो सबसे पूछते हैं ऐसा लगा सबको। कैसा लगा दीदी बताओ? जन्म हुआ था उस मिट्टी में, वो खेले थे पहली बार झूला, झूले थे का घर देखे, तो मतलब लग रहा था हमें तो बहुत अच्छा था। जो हम टच कर रहे वो मतलब उस चीज पे भगवान भी थे, वो भी बैठे थे, स्पीचलेस। मतलब काफी अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिविटी फील हुआ, बहुत गूज़बम्प्स आ रहा था गाइस, लिटरली बहुत अच्छा लगा। एकदम असलियत से वाकिफ होना और कहानी सुनने में बहुत फर्क होता है। तो आपको देखी चीज़ आज बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।